हे सुपर आरबी एंड वेलकम बैक टू सुपर टूबर हिंदी। पोकेमॉन वर्ल्ड मिस्टीरियस चीजों से भरा हुआ है, जिसके कुछ के आंसर्स हमें मिल गए हैं और कुछ के नहीं मिले हैं, और जिनके आंसर्स हमें नहीं मिले हैं उन्हें फैनमेड थ्योरीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। और कुछ फैनमेड थ्योरीज इतनी डार्क होती हैं कि जिनपे हम यकीन ही नहीं कर सकते। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही 5 डार्केस्ट फैनमेड थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरीज ऑफिशियली कन्फर्म नहीं है, इसलिए इन सब थ्योरीज को दिल पे मत लेना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना, ऐसे ही पोकेमॉन की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के इस पोकेमॉन की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डेड पोकेमॉन बिकम्स घोस्ट पोकेमॉन। घोस्ट पोकेमॉन बहुत स्कैरी होते हैं और कुछ की बैक स्टोरी बहुत ही भयानक और रुला देने वाली होती है, जैसे कि यामास्क। लेकिन आप लोगों ने सोचा है कि घोस्ट पोकेमॉन आते कहाँ से हैं और वो घोस्ट में कन्वर्ट कैसे होते हैं? तो इस पोकेमॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग जब पोकेमॉन मर जाता है तब वो घोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस थ्योरी को सपोर्ट देने के लिए अगर आप लोगों ने गेंगार की पोकेडेक्स एंट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पर लिखा है, इट अपेरेंटली विशेस फॉर अ ट्रैवलिंग कंपेनियन सिंस इट वॉज वंस ह्यूमन इटसेल्फ। इट ट्राइज टू क्रिएट वन बाय टेकिंग द लाइव्स ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इसका मतलब है कि गेंगार भी पहले एक ह्यूमन हुआ करता था और वो दूसरे इंसानों की जान लेकर उन्हें एक बनाने की कोशिश करता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि गेंगार क्लिफेरी की शेडो है। नंबर 2, ड्रिफ्लूम विल किडनैप योर चिल्ड्रन। ड्रिफ्लूम एक नॉर्मल बैलून जैसा दिखने वाला पोकेमॉन डरावना नहीं लगता, लेकिन इसकी शक्ल पे मत जाना क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इसका बैलून जैसा दिखने वाला शेप चिल्ड्रंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि चिल्ड्रन को किडनैप कर सके। अगर हम इसकी पॉकेटेक्स एंट्री पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, इट टक्स ऑन द हैंड्स ऑफ चिल्ड्रन टू स्टील देम अवे, However, it gets pulled around instead. And Pokemon Heart Gold and Soul Silver की Pokédex entry में लिखा है, It is whispered that any child who mistakes Drifloom for a balloon and holds on it, it could wind up missing. अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि चिल्ड्रन Drifloom को बैलून समझने की कोशिश करते हैं और Drifloom उनके हाथ पकड़ के उन्हें किडनैप करके ले जाता है। Drifloom के फेस पे एक क्रॉस कलर का साइन है जो कि डेंजर के साइन को शो करता है। नंबर 3, कॉफिंग एंड वीजिंग आर पार्ट ऑफ फेल्ड एक्सपेरिमेंट। कॉफिंग जो एक गैस के गोला पोकेमॉन है और बहुत ही पॉइजनस है, लेकिन वो पॉइजनस बना कैसे? एक रेडिट थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉफिंग एंड वीजिंग फेल्ड एक्सपेरिमेंट है टीम रॉकेट के। कैंटो रीजन के ओनली घोस्ट पोकेमॉन गैसली हॉन्टर एंड गेंगार को पकड़ने से अच्छा टीम रॉकेट ने सोचा कि क्यों ना वो एक खुद का घोस्ट पोकेमॉन बनाए ताकि वो उनके कंट्रोल में रहे। गैसली एंड हॉन्टर की तरह गैसली जैसे पोकेमॉन को बनाने के लिए टीम रॉकेट ने एक बैलून के अंदर पॉइजनस गैसेस मिक्स करी ताकि वो उसे कॉम्प्रेस करके एक घोस्ट पॉइजनस पोकेमॉन बना सके। लेकिन उस टाइम टीम रॉकेट के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी या फिर मशीनें नहीं थी कि वो उस बैलून को कॉम्प्रेस कर सके, और वहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया और एक्सप्लोजन की वजह से ही वहाँ पर वीजिंग जैसे पोकेमॉन का जन्म हुआ। अगर आप लोग कॉफिंग एंड वीजिंग के चेस्ट पर देखोगे तो वहाँ आपको एक क्रॉसबोन जैसा साइन दिखाई देगा जो कि एक डेंजर का साइन को शो करता है। नंबर 4, रेड किल गैरीज रेटिकेट। ये जो थ्योरी है वो सच में एक डार्क थ्योरी है। पोकेमॉन फायर रेड एंड लीफ ग्रीन जैसे गेम्स में रेड का राइवल गैरी होता है और वो टाइम टू टाइम बैटल करने के लिए आता रहता है जर्नी के टाइम। लोगों ने थ्योरी बनाई है कि जब गेम्स में रेड की बैटल गैरी से SSNA मिडवे पर होती है तब उसके पास एक 16 लेवल का रेटिकेट होता है, एंड जब उसके बाद नेक्स्ट टाइम रेड की बैटल गैरी से लेवेंडर टाउन में होती है तब गैरी के पास रेटिकेट नहीं होता। पोकेमॉन फैंस का ये कहना है कि जब रेड की बैटल लास्ट टाइम गैरी से हुई थी तब उस बैटल में गैरी का रेटिकेट इतना इंजर्ड हो गया था कि रेटिकेट मर गया था, और गैरी अपने रेटिकेट को लेवेंडर टाउन में दफनाने के लिए आता है क्योंकि वहां पर एक ग्रेव यार्ड है। और ये थ्योरी सेंस भी बनाती है कि हमें उस बैटल के बाद से कभी भी पोकेमॉन गेम में गैरी का रेटिकेट देखने को नहीं मिला था। नंबर 5, साइकिक टाइप पोकेमॉन लिव्स इन फियर। पोकेमॉन बैटल में पोकेमॉन का टाइप एंड मूव मैटर करता है विक्ट्री के लिए। नेचर एलिमेंट भी एक दूसरे पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि फायर ग्रास पे, ग्रास वाटर पे एंड वाटर फायर पे। लेकिन कुछ टाइप के रिलेशनशिप समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंस लगाना पड़ता है, जैसे कि साइकिक टाइप पोकेमॉन वीक होते हैं बग, डार्क एंड घोस्ट के अगेंस्ट।
साइकिक टाइप पॉकेमॉन्स को बहुत ही इंटेलिजेंट बताया गया है और उनका डिजाइन ह्यूमन के डिजाइन से बहुत क्लोज होता है, जैसे कि एलेकजाम। सो साइकिक टाइप पॉकेमॉन्स का फियर भी ह्यूमंस की तरह है, जैसे कि इंसानों को बग से डर लगता है लाइक स्पाइडर, इंसानों को अंधेरे से डर लगता है और उनको घोस से भी डर लगता है, और इसलिए ही साइकिक टाइप पॉकेमॉन को वीक बताया गया है बग, घोस एंड डार्क टाइप पॉकेमॉन की अगेंस्ट। वेल तो गाइस, ये थी मेरी 5 डार्केस्ट थ्योरी। आई होप कि आपको ये थ्योरीज पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी थ्योरी बेस्ट लगी। और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो आप लोग मुझसे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वेल तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।